नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल की शहर सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। उनके कार्यकाल में शहर विकास एक अहम मुद्दा रहा है। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव इरशाद रिजवी। आइए देखते हैं इरशाद रिजवी से हुई खास बातचीत। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग में। जी हाँ, दुर्ग शहर विकास कार्यों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। यहाँ का चहुमुखी विकास कार्य ये बताता है कि यहाँ का विधायक कितना सक्रिय है। और रहा सवाल महापौर की भी कार्यप्रणाली का, तो उन्होंने भी यहाँ काफ़ी सक्रियता बरती है। इन सब बातों को लेकर हमने चर्चा करनी चाहिए प्रदेश सचिव इरशाद रिजवी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद रिजवी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले तो ग्रैंड न्यूज़ को मैं नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को काफ़ी देखा जा रहा है दुर्ग भिलाई में, इसके लिए आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने बोला कि हमारे शहर में विकास कार्य काफ़ी गति से चल रहा है और 2 साल क्योंकि कोरोना था, इस कोरोना के कारण गति थोड़ी सी धीमी हुई थी। फिर बाद में आज कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, काम प्रगति पर है, कोई पूर्ण हो रहा है। और हमने जितना भी अभी गौधन न्याय योजना और किसानों को जो अपने किस्त देना है वो दे रहे हैं, कंटिन्यू जो भी चीज़ें हैं वो पूरी हो रही है। बोलना चाहूँगी कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के जो है अभी कार्यकाल जो 5 वर्ष का था वो लगभग पूर्ण होने पर है, वही निगम में भी 3 वर्ष हुए हैं। निगम के जो दुर्ग निगम के विकास कार्यों को किस नज़रिए से देखते हैं आप? दुर्ग का निगम जो है विकास कार्य की जो बाधा 2 साल जो बनी थी कोरोना के नाम से, अब एक साल में उन्होंने भी जो शुरुआत की है धीरे 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 वो बढ़ रही है, अपनी अग्रसर होते हुए काम अब दिखने लगेगा। विद इन कम से कम 6 महीना और सरकार को या देने का वो बनता है, क्योंकि जनता भी जानती है कि बारिश उसमें काम नहीं हो पाता, तो अभी चालू हुआ है और विद इन 6 महीने बाद दुर्ग शहर का ऐसा दिखेगा, चारों तरफ जो रोड चौड़ीकरण हुआ है, 100 करोड़ का एक टेंडर हुआ था जो नेहरू नगर से अपना यहाँ तक गया था मिनी माता चौक तक, वो लगभग पूर्ण हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात देखें और इन पर नज़र डालें तो काफ़ी विकास कार्यों में 0 दर्शाता है। 0 तो ऐसा है कि अपोजिशन की ये तो बातें रहती है कि हर चीज़ को उन्होंने 15 साल क्या किया उसको वो चीज़ नहीं बता के ये 4 साल पे कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि अगर बोला जाएगा कि 8 साल से हमारी केंद्र सरकार ने हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट भूपेश सरकार को 17,000 करोड़ रुपए का बकाया आज तक नहीं दिया है, लेकिन हमारी सरकार कोई भी किसान का कर्जा माफ़ हो या किस्त कैसे भी करके दे रही है, कहाँ से दे रही है लेकिन दे रही है। और यही भूपेश सरकार का संकल्प है जो लोगों के घर तक पहुंचना और काका के नाम से जो आज जो पूरे छत्तीसगढ़ में पुकारा जा रहा है, और वो चीज़ इंडिया में आज की डेट में अगर देखा जाए कि भूपेश सरकार का जो भी यानी कार्य की, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने खुद माना है कि भूपेश सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और यहाँ की बेरोजगारी दर 3.5 है जो कि बाकी राज्यों से बहुत कम है। आपने बोला कि दिगर राज्यों की तुलना में यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत कम है। जो रोज़गार को लेकर जो शासन की योजनाएं हैं जो लागू की गई है, गोधन न्याय योजना हो या अन्य योजनाएं, किस तरह फलीभूत होती है? जैसे कि अभी हमारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ई श्रेणी के ठेकेदारों को, यानी जो भी पढ़ा लिखा बच्चा जो जॉब नहीं करता काम नहीं करता, उनके लिए 20-20 लाख का एक वर्क ऑर्डर निकाला, काम ई श्रेणी का काम दिया गया, रेरा का प्रोजेक्ट है रेरा में काम दिया गया, ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जिसमें लोगों को आगे बढ़ाना और सरकार से जुड़ने का लाभ प्राप्त हुआ है। और ये पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा माध्यम ने, यानी इंग्लिश मीडियम में भी माध्यम से जो हमारी स्वामी आत्मानंद जो स्कूल को अभी हमने लॉन्च किया है, तो यही पैटर्न आज पूरे इंडिया में ये चीज़ को माना गया है कि जो दिल्ली मॉडल था छत्तीसगढ़ मॉडल उसको आगे बढ़ गया है। ये आत्मानंद से गरीब का बच्चा भी आज इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो वो पहुँच सकता है, ये सरकार ने लागू कर दिया है। जैसा कि अभी आरक्षण का मुद्दा बहुत गर्माया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण तो चली आ रही कई सालों से, सब आदमी चाहते हैं कि हर एक जो भी कास्ट से बिलोंग करता है वो उसको वो चीज़ मिलना चाहिए। तो हमारी सरकार ने सर्वप्रथम
कोशिश किया है कि भाई हमने हमने पास करके रख दिया है, और आज राज्यपाल जी आज कल और उसमें त्रुटि निकाल के कमियां गिना रही हैं। हम तो चाहेंगे कि इसलिए सरकार ने तीन तारीख को धरना भी दिया था, और जल्द से जल्द राज्यपाल जी इसको पूर्ण किए करें, ताकि हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और हमारे लोग जो निम्न श्रेणी के हैं उनको सरकारी नौकरी में लाभ मिले। आरक्षण की हमने बात की तो जैसे कि विगत दिनों दो दिन पूर्व एक रैली भी थी राजधानी रायपुर में, इस रैली का कितना असर पड़ेगा आरक्षण में? इस रैली का पूरे छत्तीसगढ़ में असर पड़ेगा, क्योंकि भूपेश सरकार ने इतने अच्छे कार्य किए हैं और पूरे प्रदेश में लोग, जनता और कार्यकर्ता सब लोगों ने वहाँ पर आके राज्यपाल द्वारा जो अभी तक नहीं किया गया था सिग्नेचर और उनको पारित करना था, तो उसके विरोध में इतना लोगों में आक्रोश है कि वो खुद जाना चाहते थे कि हम भी भूपेश बघेल के साथ जाके सीएम राज्यपाल जी के पास जाके इसको विरोध को दर्ज करें। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो आज वो ये हैं कि सक्षम है और वो अपने स्तर पे कार्य करने के लिए तैयार हैं, और आगे भी कोशिश जारी रहेगी हमारी, क्योंकि आरक्षण ये है हमारे सब लोगों को, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के हर एक नागरिक, आदिवासी, जितने भी निम्न वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और इस फायदा दिलाने के लिए भूपेश सरकार कर्तव्यपथ है, और आने वाले समय में भूपेश सरकार वापस आएगी और ये मुद्दा हम आगे हमारे केंद्र में अगर हमारी सरकार बनेगी तो इसको हम पूर्ण करेंगे। हमने बात अभी राज्य और प्रदेश सरकार की है, केंद्र सरकार की बात करें और अगर केंद्र स्तर पर बात करें तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है जो कि लंबी काफ़ी है, लोग इससे जुड़ते भी जा रहे हैं, इस यात्रा का असर कितना आने वाले दिनों में और चुनाव में पड़ेगा? राहुल गांधी जी की यात्रा जो है ये देश को जोड़ने वाली है, इसमें जाति धर्म और इंसानियत, जो मानवता जो है इंसानियत का धर्म है, कोई जाति आप और हमने बनाया है ये लोगों ने बनाया है, लेकिन मानवता ये तो सृष्टि की जब बनी है तब से मानवता रही है, तो राहुल गांधी जी की यात्रा मानवता के लिए है, ताकि एक दूसरे के साथ आए, और जो देश में आज जो व्यतीत हो रहा है एक दूसरे को लड़ाना, और देश के जो बर्बादी की कगार पे इकोनॉमिक महंगाई और लोग पढ़ के लिख के लोग आज की डेट में नौकरी नहीं मिल रही है, और बच्चों को आज की डेट में 2 बजे रात के जो बच्चे निकल रहे हैं वो इतने डिप्रेशन में है कि क्या करें कैसे करें, वो सोच सोच के वो समय निकल रहा है, माँ बाप भी कब तक करेंगे, नौकरियां है नहीं, वन रैंक वन पेंशन की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी 4 साल के बाद वो भी बंदा खाली हो जाएगा, तो आज की डेट में ये सरकार की 8 साल की जो नीति है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके विरुद्ध में महंगाई बेरोजगारी के लिए भारत जोड़ो यात्रा जो कि संकल्प है सबको मिलने का, जोड़ने का, और इसमें सर्व समाज और हर धर्म जाति के लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है, और इससे राहुल गांधी आने वाले समय में एक ऐसे नेता व्यतीत होंगे कि वो विपक्ष का चेहरा नहीं, वो प्रधानमंत्री के चेहरा रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विकास हो या केंद्र की राजनीति हो, हमारे सवालों के जवाब आपने बेबाकी से दिए। ओके, थैंक यू मैम। तो ये थे इरशाद रिजवी जी, हाँ ये प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस कमेटी में, इन्होंने अपने मंशा कई बातों में जाहिर की है और विकास कार्यों को लेकर हमसे चर्चा की, साथ ही केंद्र की राजनीति को लेकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को मील का पत्थर बताया और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया। नमस्कार।